दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले आईएफएससी स्टॉक के बारे में। भाई आईएफएससी को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि आपको बार बार ऑफर्स के लिए बताया जा रहा था कि भाई ऑफर्स आने वाला है। गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है एंड यहाँ पे आपको ऑफर्स बजट में देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं, मैं कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट है उसका दोस्तों अभी के टाइम पूरे मार्केट से खासकर गवर्नमेंट कंपनियों का ऑफर्स लाकर 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा प्लान है, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए यहाँ पे आपके आईएफएससी से भी जुटाए जाएंगे। तो भाई आईएफएससी का ऑफर्स कब आएगा ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट मेन पॉइंट की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया, संकेत दे दिया है कि बजट के आसपास आपका यहाँ पे ऑफर्स आने वाला है। ऑफर्स की जो प्रक्रिया है ओनली फॉर 2 या 3 दिन में आपको ऑफर्स यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पे लंबा नहीं चलेगा कि भाई आज अनाउंसमेंट हुई है तो ऑफर्स आपका 10 दिन बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट डायरेक्ट अनाउंसमेंट करेगी एंड उसके 2 ही दिन बाद, एक मतलब जैसे मान के चलो कि आज अनाउंसमेंट हुआ तो कल नहीं परसों आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखो ऑफर्स अगर आता है तो अभी के टाइम आप देखोगे कि स्टॉक के अंदर हमें इफेक्ट भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे स्टॉक में मैं पिछले अगर 2-3 महीने से देखोगे कि जब से जो गवर्नमेंट ने संकेत दिया कि भाई ऑफर्स लाएंगे, पहले इलेक्शन का व्यू था कि भाई इलेक्शन के आसपास दिखेगा, वहां पे नहीं आया। अब बता रहे कि भाई बजट में आएगा, तो बजट से भी अगर यहाँ देखो बजट में डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि अब गवर्नमेंट रिपीट हो चुकी है एंड पहले लग रहा था कि भाई पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट है, बट टोटली अब यही काम है गवर्नमेंट का कि फंड इकट्ठा करें। दोस्तों सीधी का भी तो रूल है कि भाई कोई भी कंपनी 75% से ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे नहीं रख सकती, तो इसको फॉलो करने के लाना ही पड़ेगा। एंड दोस्तों स्टॉक में हम देख रहे हैं कि हाल के अंदर आपके इलेक्शन से पहले भी तेजी बन रही है, और अभी के टाइम पे आप देखो कि बजट को लेकर जो रेलवे के शेयर थे वो अपने अच्छे लेवल पर ट्रेड करे, बट भाई आईएफएससी में अगर देखोगे तो ये नहीं भाग रहा है और इसने अपने हाई क्रिएट नहीं किए। ये अभी के टाइम देखोगे 100 जो आपके 173 और 174 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है एंड इस लेवल से ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मतलब 160 रुपए का लेवल डाउन में ब्रेक लिख गया एंड वही ऊपरी लेवल बता दूं मैं ना 200 रुपए का लेवल पिछले अगर देखो 6 महीने में, तो वही स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। अब ये डर किस बात का था, ऑफर्स का, जो कि अब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया। अब मान के चलो कई लोगों का कमेंट आते हैं कि भाई अगर ऑफर्स आ गया ना तो कितना गिर जाएगा, क्या 150 रुपए के नीचे चला जाएगा। देखो मेन पॉइंट रहता है ऑफर्स का प्राइस, कि भाई ऑफर्स किस प्राइस पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अगर मान के चलो अभी के टाइम देखो जो प्राइस है वो चल रहा है आपका 173 रुपए पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम 160 रुपए पे ऑफर्स लेके आएंगे, तो आपको पता है प्राइस गिरेगा मार्केट में, लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पे खरीदारी बंद हो जाएगी, टोटली लोग ऑफर्स में अप्लाई करेंगे, तो ऑफर्स का प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज कि देखो अगर यहाँ पे आप बोलो कि भाई लोगों को ऐसा लगे कि भाई जो मतलब कंपनी है वो क्या करेगी, ऑफर्स ऊपर वाले प्राइस भी तो ला सकती है, जैसे कि अभी टाइम 173 रुपए पे 180 रुपए पे तो ला सकती है, भाई ऐसा नेगेटिव रहता है क्योंकि कभी भी कंपनी ऑफर्स आई चाहे आईपीओ आए डिस्काउंट पे लेके आते, क्योंकि भाई उसमें अच्छा डिस्काउंट मिले। मान के चलो 180 पे लाती है तो लोग ऑफर्स में पैसा क्यों लगाएंगे, सब दोस्तों जैसे मार्केट में ही खरीद लेंगे। तो अब देखते हैं अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों बजट 2024 जो आपका दोस्तों यहाँ पे मजगाउंड हो गए एंड आईएफएससी एनएफएल आरईएफएल इन सबको लेकर गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए चालू वित्त वर्ष में ऑफर फॉर सेल मतलब ऑफर्स के जरिए रेल फर्टिलाइजर्स और डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा सरकारी कंपनियों में छोटी हिस्सेदारी बेचने को लेकर कंपनी प्लान कर रही है। अब कितना हिस्सा बेचेगी वो मैं आपको बताऊंगा एंड अपडेट आप देख सकते हो दोस्तों। देखिए सरकारी चालू वित्त वर्ष में ऑफर्स को लेकर अभी के टाइम गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर सकती है, बजट को लेकर बड़ी उम्मीद है कि भाई बजट में कुछ बड़ा होगा एंड कंपनी के नाम मैंने आपको बताई नहीं कि कौन कौन सी कंपनी है। अगर आप देखो कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार बजट वर्ष 2025 में भारतीय फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मतलब यहाँ पे भारतीय रेलवे आईएफएससी नेशनल फर्टिलाइजर्स एनएफएल एंड आरईसी को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं, इसमें दोस्तों हिस्सा बिक्री को लेकर विचार कर रही है। अब देखिए दोस्तों अगर देखो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम कहें कि भाई यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रही है, देखो ऑफर्स पर फोकस जारी रखेगी एंड क्योंकि स्ट्रेटेजी सिर्फ कई स्टेज में इस साल कुछ यहाँ पे ओएफएस होंगे जिसमें आईएफएससी भी शामिल है। सरकार इस साल ओएफएस के जरिए एनएफएल और आईएफएससी में भी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में एंड कितनी हिस्सेदारी बेचेगी, टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे जनरेट करेगी तो एक बार आप समझ लीजिए। देखो अगर हम अभी के टाइम देखें आईएफएससी की हिस्सेदारी तो आईएफएससी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। अब उसमें से 11.36% यहाँ पे कंपनी की, तब गवर्नमेंट के पास 75% होल्डिंग बचेगी क्योंकि गवर्नमेंट एनएससीबी का रूल भी है। देखो गवर्नमेंट को ज्यादा बेचना होता तो गवर्नमेंट 75% से नीचे लेके जाती, बट गवर्नमेंट फिक्स रख रही है 75%। मतलब ये जो आईपीओ जो ऑफर्स है सेबी के रूल को फॉलो करने के लिए लाया जा रहा है। अब देखिए हालांकि बजट 2024 में विनिवेश का निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन लेकिन नेट डेट कैपिटल
जो है जो रिसेंट के 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट यहाँ पे जुटाने का प्लान करे, अनुमान लगाया गया है, कहेगी कि विनिवेश पर प्री बजट मीटिंग जल्दी होने वाली है एंड वहां पे हमें पता चलेगा कि किस किस का आईपी जो ऑफर्स होगा एंड टोटल कैपेसिटी एसेट में एसेट जो मोनेटाइजेशन है जो विनिवेश आदि के जो जो कंबाइंड एसेटमेंट अनुमान शामिल होंगे। देखो जो यहाँ पे आपकी जो बैठक होगी ना भाई यहाँ पे प्री बजट की बैठक, उसमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने भी बताया कि भाई 50,000 करोड़ रुपए हम जुटाएंगे, इसमें ये पता चलेगा कि टोटल कितना अमाउंट जुटाना है, इसको बढ़ाना या घटाना। अब देखो आईएफसी का अगर ऑफर आता है तो गवर्नमेंट इससे भाई 7,600 करोड़ रुपए जनरेट करेगी, मतलब इतना फंड यहाँ पे बेचने वाले, मतलब बेचकर यहाँ पे शेयर बेचे जो गवर्नमेंट है वो इकट्ठा करेगी। अभी के टाइम आईएफसी में अगर देखोगे, देखो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा था कि ऑफर्स आ सकता है, ठीक है ना। एंड देखो ऑफर्स अगर आता भी है भाई डरने की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, आईआरएफसी को जो है ना ऊपर एक कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म प्लान कंपनी की अच्छा है, कंपनी रेलवे फाइनेंस पूरी रेलवे को फाइनेंस करती है, तो डरने वाली बात ही नहीं। मेन पॉइंट अगर ऑफर्स आता भी है तो यहाँ पे 10-15% स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, बट वो इंट्राडे में देखिएगा। मान के चलो आज अगर ऑफर्स अनाउंसमेंट हो गया कि भाई ओपस आ रहे हैं, ओपस 165 पे लेके आ रहे हैं, तो इस तो मेरे को लग रहा है कि 165 के नीचे तो नहीं जाएगा, ध्यान रखना जिस प्राइस पे अनाउंस होगा उससे 2-3 रुपए ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। मान के चलो ओपस के अगर भाव पे आ गया तो लोगों को ओपस में अप्लाई करने का फायदा रहेगा, लोग मार्केट से खरीद लेंगे। तो इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कि अगर इस प्राइस पे मैं ट्रेड कर रहा है तो ओपस आपका अगर मान के चलो 160 पर भी आता है, बट जहां तक मैं बता दूं मेरा एनालिसिस करती है कि ओपस आपका इलेक्शन के बाद देखेगा एंड इलेक्शन के पहले एक बार स्टॉक के अंदर हमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, ये चीज आप ध्यान रख लो, क्योंकि पिछले 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद अभी रैली बाकी, रैली के बाद प्रॉफिट होगी फिर अनाउंसमेंट हो सकता है। तो अभी ये टाइम आप देखो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बने रह सकते हो एंड फंडामेंटल स्टॉक अच्छा तो लॉन्ग टर्म बेसिस खरीदारी कर ले की जा